हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर नंबर 9 है। इसमें हम पढ़ेंगे इंटीग्रल फैक्टर की। हम दो केस पढ़ चुके हैं, ये थर्ड केस, यानी जब हम दो केस पढ़े थे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो तब इंटीग्रल फैक्टर किस तरह से निकालते हैं, और अगर फंक्शन f1xy dx f2xy xdy = 0 इस फॉर्म में हो तब हम इंटीग्रल फैक्टर किस तरह से निकालते हैं, ये अपनी पुरानी वीडियो में पढ़ चुके हैं। इसमें हम पढ़ेंगे अगर हमारे पास कहीं ऐसा केस आ जाए कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है m dx + n dy = 0, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, और उसके लिए 1 m/y - n/x = फंक्शन ऑफ एक्स, ये आ जाए हमारे पास। तो उस कंडीशन में इसका जो इंटीग्रल फैक्टर जो होता है वो होता है हमारे पास e^(f(x)dx, यानी कि हमारे पास इस तरह की फॉर्म हो जहाँ पर fx जो फ्रेंड्स या तो फंक्शन ऑफ x होगा या कोई कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट होगा तब भी ये ट्रू होगा, और फंक्शन ऑफ x है तब भी ये ट्रू होगा। अगर इस केस में हमारे पास इस कंडीशन को कोई सेटिस्फाई करता है फंक्शन, तो उस कंडीशन में हम कहेंगे जो उसका इंटीग्रल फैक्टर है इंटीग्रेशन ऑफ f(x)dx है। इसको हम एक एग्जांपल लेते हैं। फ्रेंड्स, मैं जो भी एग्जांपल लेता हूँ मोस्टली यूनिवर्सिटीज में वो रिपीट होते हुए एग्जांपल होते हैं, जो कि आपके तैयारी के लिए भी काम आएंगे। जो भी एग्जाम की तैयारी करोगे आप, उसमें भी एक एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। ये हमारे पास सपोज 3xy - 2ay² dx + x² - 2axy dy = 0। फ्रेंड्स, मैं ये नहीं कह रहा कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रल फैक्टर निकालने का एकमात्र यही तरीका है। डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के लिए और भी तरीके हो सकते हैं। जैसे अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ध्यान से देखें तो xy² यानी यहाँ पे भी पावर सम, दोनों पावर्स का सम जो है 1 है 2 है या 2 है, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है। तो ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में चेंज करके भी इसका हम इंटीग्रल फैक्टर निकाल सकते हैं। तो उस तरह से भी इसका इंटीग्रल फैक्टर हम निकाल सकते हैं। बेसिकली अब जब हम ये मेथड पढ़ रहे हैं तो इसमें हम इसी तरह से निकालेंगे। यहाँ पे m बराबर है हमारे पास 3xy - 2ay² एंड n बराबर है हमारे पास x² - 2ax y। अब हमें क्या चाहिए, m/y, तो m/y निकाल रहे तो यहां से आ जाएगा 3x - यहां से देखेंगे तो 4ay, ये हो गया। और m/x निकाले तो m/x यहां से निकाले, ये n है, तो ये हो गया हमारे पास 2x - 2ay। अब फिर m/y - n/x निकालना है, क्योंकि जो इंटीग्रल फैक्टर है वो है हमारे पास 1/n (m/y) - n/x, ये इंटीग्रल फैक्टर है। तो 1/n क्या है ये, तो n को अगर x कॉमन ले लें यहां से तो ये लिख सकते हैं x - 2ay, ये हो गया। अब m/y इसमें से इसको नीचे वाली टर्म को माइनस करें तो 3x में से 2x गया तो ओनली x बच गया। इस तरह से -4ay में से -2ay माइनस किया तो ये प्लस का साइन आ जाएगा और यहाँ पे ओनली -2ay बच जाएगा। तो अब यहाँ पे इससे ये कट जाएगा तो ये आ गए हमारे पास 1/x। तो 1/x आ गया, fx बराबर क्या आ गया, 1/x। तो इसका इंटीग्रल फैक्टर किस तरह से लिख सकते हैं, इंटीग्रल फैक्टर जो होता है इसका जो है e^(fx)dx, तो ये हुआ e^(1/x)dx। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, या इसको लिख सकते हैं हम x। तो ये हो गया हमारे पास इसका इंटीग्रल फैक्टर, यानी x से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को
तो ये एग्जैक्ट फॉर्म में बदल जाएगी। तो हम एक्सेस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो एक्स से मल्टीप्लाई करने पे ये हो जाएगा 3x2y - 3x2y(dx) - 2ax y2 dx + x³dy - 2ax²y (dy = 0। ये हो गया। अब अगर इन दोनों टर्म को हम साथ ले लें तो ये हो जाएगा 3x²y (dx) + x³dy - अब इन दोनों टर्म को साथ ले लें तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस, और a को कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 2xy² + 2x²y, यहाँ पे dx है, और प्लस 2x²y (dy). तो फिर से अगर इसको हम देखें इस टर्म को, तो इसको हम लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ x³y, क्योंकि अगर जब इस काम करेंगे तो 3x² और y को छोड़ देंगे, इस काम करेंगे तो y का करेंगे तो dy और x³ ये हो जाएगा माइनस a, और इसका हो जाएगा dx²y इसको लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम x² करेंगे तो 2x और y² को छोड़ना पड़ेगा, जब y² करेंगे तो x² को छोड़ेंगे तो y² करेंगे तो 2y dy, तो ये हो गया हमारे पास = 0। अब इंटीग्रेशन करते हैं दोनों तरफ, ऑन इंटीग्रेटिंग तो ये हो जाएगा हमारे पास x³y - a x²y² = c। ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया। फिर ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए और लेक्चर्स के लिए मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।